हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको स्टोर कीपर जॉब के बारे में बताऊंगा, उसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उसकी सैलरी क्या होती है, उसके लिए एजुकेशन चाहिए और किस किस टाइप की स्टोर कीपर की जॉब होती है, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे अगर आप स्टोर कीपर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या ढूंढने जा रहे हो, सर्च कर रहे हो या आगे के लिए सोच रहे हो, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आपको मदद मिल सके कि स्टोर कीपर काम क्या करता है, ठीक है। छोटा सा वीडियो है, उसमें पूरा एक्सप्लेन मैं कर दूंगा कि स्टोर कीपर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, बेसिकली वो इस करता क्या है, ठीक है। सबसे पहले मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्किल पे ही आ जाता हूँ, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी में जैसे कि रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, रिकॉर्ड का मतलब जैसे कोई भी फाइल हो गई, कोई भी मान लो माइक्रोसॉफ्ट आजकल के स्टोर कीपर जो होते हैं वो कंप्यूटर पे भी वर्क करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर स्किल भी उनके पास होनी चाहिए, अगर कहीं भी ज़रूरत है आपके पास है तो काफ़ी अच्छे आपके लिए ग्रोथ के लिए काफ़ी काम आएगा, ठीक है। रिकॉर्ड मेंटेन करने जो भी सामान आए, कुछ भी इन अंदर आया बाहर गया, कुछ भी कोई चीज़ स्टोर से गई है बाहर और अंदर आई है, तो उस चीज़ को आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना, रिसीव करना है। अगर बाहर गया तो जिसने ये ले जो लेके गया उसकी साइन चाहिए, किसने दिया, किसने मांगा है, ठीक है। किसने मंगाया है उससे नहीं मतलब होता, लेकिन जो लेके आपसे गया, जो रिसीव किया है, वो एम्प्लॉई होना चाहिए, अथोराइज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी बंदा लेके चला है वो बोल दे किसने मांगा है और आप साइन करके उसे दे दो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। जो अथोराइज होगा कंपनी का होगा, उसका आईडी चेक करोगे, उसका जो भी प्रूफ होगा वो देखोगे कि कंपनी का बंदा है, उसने मांगा है, ठीक है, उसके नाम पे आप उसकी साइन लेके उसको भेज दोगे, ठीक। ये हो गया कि और रिकॉर्ड में सब कुछ मेंटेन करना, क्योंकि आपसे कभी भी उसका जवाब मांगा जा सकता है कि ये चीज़ कहाँ गई, ये चीज़ किसने ले गई, ये चीज़ मिस क्यों है, अगर कभी मिस हो गया कोई सामान तो आप रिकॉर्ड के जरिए पता कर सकते हो। दूसरे पे बात करना चाहेंगे कि जितने भी स्टाफ होते हैं आपके, जैसे आपके अंदर भी कुछ काम कर रहे होते हैं, हेल्पर होते हैं, आपके ऊपर जो होते हैं वो तो अलग ही होते हैं, लेकिन आपके नीचे भी हेल्पर होते हैं, तो उनको भी आपको मैनेज करना होता है, और जो एम्प्लॉई होते हैं उनके साथ कोऑपरेट करना होता है, उनकी भी हेल्प करनी होती है और वो भी आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है, उनसे मिलके रहना होता है। स्टोर में क्लीनिंग का ध्यान बहुत ज़्यादा दिया जाता है, क्योंकि स्टोर अलग अलग टाइप के होते हैं, कंस्ट्रक्शन के स्टोर हो गए, किसी भी टाइप के स्टोर होते हैं, उसमें क्लीनिंग का ध्यान दिया जाता है, क्योंकि चूहा हो गया, कुछ भी ऐसी गंदगी हो गई जिससे स्टोर में सामान को, जैसे सुपरमार्केट के स्टोर होते हैं उसमें अगर कुछ भी ऐसी चीज़ें आ गई तो वो पूरा आइटम ख़राब हो सकता है, इसलिए क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो क्लीनिंग पे भी स्टोर कीपर क्लीनिंग करवाता है, ठीक है। क्लीनिंग के जो डिपार्टमेंट होता है उससे कह के हर टाइम डे टू डे चेक करता है, डे टू डे उसको पूरा स्टोर कीपर मतलब आपको पूरा स्टोर आपकी जिम्मेदारी, उसका जवाब आप ही को देना है और कोई इसका जवाब देने नहीं आएगा, ठीक है। तीसरा चौथा मैं बताना चाहूँगा, पंचुअल होना चाहिए अपने काम को लेके। कोई भी स्टोर से सामान कुछ भी फालतू एक्स्ट्रा नहीं जाना निकलना चाहिए, कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपने उस अंदर जो सामान रखा उसका आपने अपने लिए इस्तेमाल कर लिया और गलती से आप पकड़ गए तो आपके खिलाफ फाइन पड़ सकता है, काफ़ी एक्शन लिया जा सकता है। तो अपने काम को लेके काफ़ी लॉयल रहिए, क्योंकि यही काम हमें आगे भी करना है, तो इसके लिए हमें अपनी पंचुअलिटी को, अपनी लॉयल्टी को नहीं तोड़ना है, ठीक है। इसलिए अपने काम को, कोई भी काम हो, स्टोर कीपर हो या किसी भी काम में आप लगे हो, उसके लिए आप लॉयल रहिए, क्योंकि वही आपकी रोजी रोटी है। और कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होनी चाहिए बहुत, जैसे दुबई में अगर जॉब करना चाहते हैं तो इतनी अच्छी नहीं, डिपेंड करता है कि कंपनी कौन सी, कैसी काम है। जैसे कि सुपरमार्केट टाइप का मान लीजिए, तो उसमें सारे प्रोडक्ट के नेम जो इंग्लिश में होते हैं, मान लो किसी ने कहा आपके ऊपर उसने ये सामान लिया, तो आपको इतना मालूम होना चाहिए कि हाँ ये सामान ऐसा होता है, ये लिखा हुआ, आप उसको पढ़ के उसे दे सको, ठीक है। कंस्ट्रक्शन लाइन में है, उस पर भी किसी ने कोई सामान मांगा तो उस पर लिखा होता है, तो आप जैसे कोई फाइल आप बना रहे हो तो इंग्लिश तो इतनी अच्छी होनी चाहिए ना कि आप फाइल को मैनेज कर सको। कंप्यूटर भी कहीं कहीं MS Office MS Excel का भी काम दिया जाता है, जिससे वो सीख सके, जिस पे वो डिजिटली अपने मैनेज कर सके या रिसीव इन आउट जो भी हुआ हो उसको आप नोट डाउन फीड कर सको और पेपर वर्क में भी कर सको। दोनों जगह आपका रिपोर्ट होना चाहिए और बैकअप हमेशा बना के रखिएगा, जो भी पेपर गया है बैकअप कंप्यूटर में बैकअप बना के रखिए, या उसकी दो, ऐसा नहीं एक ही रिसीव होता है ना, तीन तीन फाइलें बनती है कि यहाँ रिसीव हुआ फिर उसको आप दूसरे फाइल में करते हो, फिर एक मेन फाइल में भी उसको आप रिसीव करते हो कि एक फाइल मान लो खो गई तो दूसरी फाइल में होना चाहिए, तीसरी फाइल में होना चाहिए, ठीक है। इससे आपका बैकअप मेंटेन होता है, इससे आप जवाब दे सको, क्योंकि स्टोर का कोई भी सामान खोएगा तो आप ही को जवाब देना है। माइक्रोसॉफ्ट स्किल, इसके बारे में जैसे मैंने अभी बोला, कंप्यूटर स्किल आपके पास होनी चाहिए, इसके लिए आप अगर डिप्लोमा भी आपके पास होगा ना, आप जब भी आओ ना, जैसे स्टोर कीपर के लिए आओ, ऑफिस बॉय के लिए आओ,
या क्या बोलते हैं ऑफिस असिस्टेंट तो अलग चीज़ है, ऑफिस बॉय, स्टोर कीपर, इन सब के लिए कभी भी जॉब करने, और डाटा एंट्री तो खासकर है ही है कंप्यूटर के लाइन में, तो कंप्यूटर का एक डिप्लोमा कर लो, 6 महीने का डिप्लोमा होता है, 1 साल का डिप्लोमा होता है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता, किसी भी चौराहे पे छोटे से इंस्टीट्यूट से आप कर लोगे वो भी वेरीफाइड होता है, ठीक है। पैसे अगर आप आना चाहते हो तो अच्छे से इंस्टीट्यूट से भी कर लो, इतना पैसा उसमें नहीं लगता है, आप कहीं से भी कर सकते हो, आपको सीखना है, सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएगा, आपके पास नॉलेज आ जाएगी, तो आप इजीली स्टोर कीपर से डाटा एंट्री में भी मूव कर सकते हो। अच्छा आपके पास नॉलेज है, आप कंप्यूटर नॉलेज टैली है, आप अकाउंटेंट तक में जा सकते हो, अकाउंटेंट का मतलब बहुत बड़ी कंपनी में उस बेसिस पे नहीं जा सकते हो, लेकिन आप छोटे छोटे ग्रॉसरी में लग सकते हो, कैशियर की जॉब कर सकते हो, सुपरमार्केट में कैशियर बन सकते हो, जिसमें अच्छी सैलरी मिलती है, आने जाने का सुविधा देता है, फैसिलिटीज़ देती है कंपनी, ठीक है। ये मैं एक एडवाइस दे रहा हूँ, आपको अच्छे लगे तो आप रख लेना, ठीक है। एजुकेशन में 10th से लेकर डिग्री होल्डर, 10th के नीचे वाले भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि कंपनी में जुगाड़ है, रख लेते हैं कभी कभी, आपके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज, आपने अच्छी कंपनी में काम किया, आपके पास उसका सर्टिफिकेट है, लेकिन ज़्यादातर आप 10th करके ही आइए, कभी भी बाहर जाइए तो 10th करके आइए, आपके पास बहुत अच्छा जुगाड़, बहुत अच्छा रेफरेंस है, तो आप बिना 10th के भी आ सकते हैं, लेकिन मैं एजुकेशन 10th से ही समझिए स्टार्ट होती है, 10th से लेकर डिग्री होल्डर तक ये जॉब कर सकता है, ठीक है। डिप्लोमा ज़रूर करिए, 10th करके आ रहे तो डिप्लोमा भी ज़रूर करिएगा, आगे फ्यूचर में काम आने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ स्टोर कीपर पे ही नहीं टिके रहना, आगे भी तो बढ़ना है, ठीक है। सैलरी कम से कम 1500 से लेकर 2500 दिरहम तक एज अ फ्रेश आपको सैलरी ज़रूर मिल जाएगी, कहीं कहीं रहने को मिलता है, कहीं कहीं नहीं मिलता है, लेकिन ज़्यादातर मिल जाता है, ज़्यादातर कंपनीज एकोमोडेशन और आने जाने का ट्रेवल दे देती हैं, खाने का मैक्स कहीं कहीं होटल लाइन में मिल जाता है, लेकिन ज़्यादातर कंपनी आने जाने का एकोमोडेशन का दे देती हैं। और स्टोर कीपर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट करो, मैं कमेंट में रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, इंस्टा पे भी देता हूँ, टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर इंस्टा पे देता हूँ, कुछ का तो बराबर दे देता हूँ, और क्या बोलते हैं टाइम मिलता है तो मैं सबका एक साथ दे देता हूँ, लेकिन कमेंट करोगे तो उस पर 100% आपका रिप्लाई ज़रूर आएगा, मेरा रिप्लाई ज़रूर आपके पास आएगा। और कुछ भी डाउट हो, आपको कुछ भी कोई वीडियोस चाहिए किसी रिलेटेड से, तो उस पर कमेंट करिए, मैं ज़रूर आपको वीडियो बना के दूंगा। और वीडियो अच्छा लगा आपने यहाँ तक अगर देखा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और आई बटन में जो वीडियो दी गई है उसको भी आप देखिएगा, जिससे आपको मिल सके। और कोई भी आपको डाउट हो, जैसे कि मेरे चैनल में जाइए, मैंने हर टाइप की वीडियो बनाई, सेफ्टी से, ऑफिस बॉय से, डाटा एंट्री से, वीज़ा से, स्टेटस से, प्रोफेशनल वीज़ा स्टेटस क्या होता है इसको देखिए, ठीक है। ये मैं बहुत ही लोगों को दिखाना चाहता हूँ, लेकिन वीडियो को वो मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको ज़रूर देखिए। अगर यहाँ तक आए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए, जिससे मेरा आने वाला वीडियो आपको मिल सके, और ऐसी सपोर्ट बनाए रखिए।